विकास नगर उत्तराखंड में यहाँ की जो कोर्ट है उसके सामने स्नेहा ढाबा, ये देखिए जी, ये गुड्डो जी हैं, स्नेहा ढाबा इन्होंने शुरू किया, इनकी बिटिया का नाम स्नेहा है, और यहाँ ये मुस्कुराते हुए सबको चाय, ब्रेड पकोड़ा, पकोड़ा और क्या क्या बनाती हैं जी आप? कढ़ी चावल और राजमा चावल। ये देखिए जी दूध, और इधर ये चाय बना रही हैं। आ जाओ चाय, हाँ आ जाओ। देखिए जी इधर अदरक को किस तरह से बारीक बारीक ये करके, ये देखिए जी इतनी बड़ी मात्रा में अदरक डाला है। ये देखिए जी अदरक डाल के अंकल आप बोलना, दूध के साथ गुड्डो जी ने बनाई है। ये मैं पूछता हूँ कि चाय कितने की है जी? ₹10 की चाय, जिसमें आप खालिस दूध भी डाल रही हैं। दूध क्या भाव है? ₹70 किलो दूध है, और पत्ती ₹90 पाव, और उसके बाद चीनी है ₹40-45, अदरक भी इसमें डाला जा रहा है। और ये देखिए जी किस तरह से चाय को, क्या बात है, आप सबका भी मन कर रहा होगा चाय पीने को। ये देखिए चाय में जो उबाल आया है, आपको भारत में सबसे अधिक पिए जाने वाले पेय है चाय, और इसको बनाने की कला सबके पास कमी होती है। और देखिए, और इस जगह का किराया भी होगा जी, कितना किराया है इस जगह का? ₹8,000 किराया है। गैस का सिलेंडर भी यूज़ हो रहा है, और क्या बचता होगा ये पूछने पर गुड्डो जी का कहना है कि मुझे अभी शुरू में ग्राहक बनाने हैं, क्योंकि अभी इनको केवल 1.5 महीना हुए इसको शुरू किए हुए। स्नेहा ढाबा, कढ़ी चावल, राजमा चावल, ब्रेड पकौड़े, चाय, चार ही आइटम हैं। जब भी आप यहाँ आए इस एरिया में, ये इनका मोबाइल नंबर है, और शुद्ध देखिए इन्होंने आगे पूरा पॉलिथीन भी लगा रखा है कि धूल मिट्टी अंदर ना पड़े, बहुत कम लोग इस तरह से सोचते हैं। ये सामने कोर्ट का परिसर है, सिविल एवं, ये देखिए जी, सिविल एवं दांडिक न्यायालय, ये सिविल कोर्ट है यहाँ की, विकास नगर की, और उसके सामने इनका ये। चलिए जी अब इनकी चाय बनके तैयार हो रही है। क्या आवाज है जी, देखिए किस तरह से चाय का मजा ही तब होता है जब इसको खूब अच्छी तरह से इसमें 2-3 अच्छे उबाल आ जाए। क्यों जी? अंकल मैं बोल लूंगी भी। बोलने से ही तो माल बिकेगा, ठीक है ना, जब आपको लोग देखेंगे। ये देखिए जी यहाँ से थर्मस में निकाल रही हैं, ये कम चीनी की चाय निकाली है, और अब देखिए जी बाकी लोगों के लिए खाएगा, ब्रेड पकोड़ा खाएगा, और चीनी डाल के इसको फिर से उबाला जा रहा है। कैसी लगी आपको चाय? चाय बहुत बढ़िया चाय बनी है, इसमें सारे टेस्ट आ रहे हैं, जो जो इसमें चीजें डली हुई हैं। अदरक तो बहुत बड़ी मात्रा में डाला हुआ है, क्या होता है, और भारतीय नारी जब अच्छे से चाय बनाती है, अच्छी तरह से उबाल के चाय बनाती है, और ये केवल ₹10 में चाय है। हाँ, ₹10 में क्वांटिटी में, और ऐसा नहीं बहुत बढ़िया संघर्ष के साथ मुझे बना के जी। चलिए जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अच्छाई है इसमें, क्या आपको अधिक पसंद आया इसमें? मेरी चाय में चीनी नहीं है, इससे ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, आपने बिना चीनी के पी है, तो सारे टेस्ट सही से पता चलते हैं, चाय के टेस्ट, पत्ती का और अदरक का, ये सारे इसमें आ जाएं तो ये आनंद है। ये देखिए जी ये इतनी दूर से चाय पीने आया है, ये सचमुच में चाय के ऐसे दीवाने हैं।
राजीव जी कैसी है चाय? बहुत ही बेहतरीन। अच्छा जी, गुण संपन्न चाय। मतलब चाय भी सर्वगुण संपन्न होती है, मतलब फ्लेवर आ रहा है कई चीजों का, अदरक का, इलायची का, और इट्स अ गुड, बहुत बढ़िया चाय। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आउटस्कर्ट में ऐसी चाय मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है, जो ब्रेड पकौड़े हैं और उसके साथ जो हरी चटनी है, ये देखिए पुदीना, धनिया की, मिर्ची की, कमाल की चटनी है। और ये ब्रेड पकौड़ा भी कितना फ्रेश दिख रहा है, कितना यम्मी दिखाई दे रहा है ये। ये देखिए जी, और आप अभी ब्रेड पकौड़ा कैसा लगा? बहुत बढ़िया। चटनी के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, फ्लेवर देगी हर चीज़ के आगे। क्या बात है। ये देखिए जी, ये राजीव जी को जब तक कोई चीज़ सचमुच में स्वादिष्ट ना हो पसंद ही नहीं आती है। बिल्कुल घर जैसे सॉफ्ट होते हैं, और ये तो फेंक देते हैं अगर इन्हें पसंद नहीं आए कुछ तो। कैसे है जी ब्रेड पकौड़ा? बढ़िया। बस आपको पसंद आ गया तो इसका मतलब सभी लोग खा सकते हैं। ये देखिए जी, इस प्रकार से ब्रेड पकौड़े कितने का है जी ब्रेड पकौड़ा? 15 रुपये। ब्रेड पकौड़ा 15 रुपये का। और पकौड़े किस तरह से दिए? 20 की 100 ग्राम, 200 रुपये किलो, 20 रुपये की 100 ग्राम। ये आलू प्याज के हैं। और ये देखिए जी, चाय फिर तैयार है, लगातार चाय बन रही है। और इन्होंने वादा किया कि अगली बार एल्युमिनियम का नहीं, ये पीतल के पतीले में सबको चाय बना के पिलाएंगी, ताकि इनका काम और अच्छे से चले, सबको और पसंद आए। चलिए जी, अब आपसे विदा लेते हैं। आप भी शाम का समय है, चाय पीजिए, आनंद लीजिए। और जब भी आप यहाँ कोर्ट में आएँ विकास नगर में, तो आप स्नेहा ढाबा में आकर चाय अवश्य पिएं। दिन में आएँ तो कढ़ी चावल और राजमा चावल खाएं, पूरी तरह से सुरक्षित, हाइजीनिक। और देखिए किस तरह से कवर किया हुआ है, और ये इनके यहाँ बैठने का स्थान भी है जहाँ बैठ के इसका आनंद ले सकते हैं।